speak to such an extent that I believe that a child should draw and work that he later get answer as go left and knock me. Just as the form due to weakening or grip. And darts out as in a pigeon. This deformation is therefore often called pigeon chest. Pregnant and lack. Yes, sir. तो देखो कैल्शियम और फास्फोरस प्रेग्नेंट ये आपको कहता है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन आल्सो कॉज कैल्शियम एंड फास्फोरस डिफिशियंसी इन द बॉडी, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जो है वह विटामिन डी उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट्स कराता है ना, विटामिन डी जो है स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। और आप पढ़ेंगे मिनरल्स के डिफिशेंसी से कौन कौन डिजीज क्रिएट होते हैं, देखता होगा किसी की हड्डी टूट गई तो कैल्शियम का टेबलेट खाओ जी, दांत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, इधर उधर हो गया तो फास्फोरस खाओ जी। और लेकिन ये कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो आपको कब काम करेगा, आप कैल्शियम की टेबलेट भी खाएंगे और आपके बॉडी में विटामिन डी है ही नहीं तो वह काम नहीं कर पाएगा है ना, क्योंकि वह विटामिन डी जो है उसको हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस को वो हेल्प करता है। और खास के छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही अप टू 6 मंथ्स ये बहुत ही कुछ चीज़ें सोचने वाली बातें होती है, रेशनलाइजिंग फैक्टर उसको कहते हैं कि अभी हम मेहनत कर देंगे तो होल लाइफ हम ठीक ठाक रहेंगे, अभी हम मेहनत नहीं करेंगे होल लाइफ हमें किसी का मोहताज रहना पड़ेगा, किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा है ना। और वह डिपेंडेंट दो तरह के डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट तो हमेशा रहना है, लेकिन जो डिपेंडेंट की हमेशा हम तरसते रहें है ना किसी के लिए कि पैसे की कमी है ये है वो है ना, लेबर क्लास का काम करते रहें तो उसमें बहुत परेशानी होती है, बहुत स्ट्रगल होता है और हमेशा वह है ना प्रॉब्लम में ही रहता है। तो आप अभी पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर होल लाइफ क्या है अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम अभी हेल्दी डाइट्स नहीं लेंगे है ना, अभी हमारी फादर मदर छोटे बच्चे को तो अपना समझ नहीं होता है, अब तो 6 मंथ तक तो कोई समझ नहीं है, तो उसको अगर नॉलेज उसके फादर मदर अगर लिटरेट नहीं होंगे है ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो क्या होगी फादर मदर तो गुजर जाएंगे लेकिन उस बच्चे को होल लाइफ जो है स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, होल लाइफ कहीं भी गिरेगा हाथ पैर टूटेगा तुरंत टूट जाएगा है ना, क्योंकि उसमें विटामिन डी नहीं मिला प्रॉपर, विटामिन डी नहीं मिलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैंने अभी भी बताया कि क्योंकि बाज़ार में अगर आप रह रहे हैं तो बाज़ार में जो है सबसे बड़ी बात है धूप की रोशनी नहीं मिल रहा है बहुत सारे घर में, तो उस केस में आपको केयर करना होगा। आप अगर अगल बगल में किसी पड़ोसी को देखते हो तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं अंकल नहीं आंटी यहाँ पे विटामिन डी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए धूप लगाना जरूरी है ना, क्योंकि लोग बंद कमरे में सारी फैसिलिटी अवेलेबल कर चुका है, एसी लगा लिया है ना, गर्मी के दिनों में एसी लगा लिया, ठंडे के दिनों में हीटर लगा लिया है ना, ब्लोअर लगा लिया, लेकिन इससे नहीं होगा, जो नेचुरल चीज़ें हैं वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और वह हमारे होल लाइफ है ना जो है कंफर्टेबल बना के रखता है, हमें डिजीज से दूर रखता है। आज जो है कोरोना क्या हो गया कि हमें इसी में जीना है भी है ना, इसी तरह ये बीमारी रहेगी, बीमारी जिस तरह से बहुत सारी बीमारी है उसी में एक बीमारी ये भी ऐड हो गया और इसी के साथ इसी में जीना है मरना है काम हमें करना है, ये नहीं कि बीमारी है तो हमें आप घर में ही रहेंगे है ना, आज जो स्कूल खुल रही है
उसकी मोटो क्या है कि बच्चे की पढ़ाई लॉस हो रही है, उसे किसी तरह से उसको भरपाई किया जाए, है ना। तो आपको विटामिन डी का होना जरूरी है, विटामिन डी नहीं रहेगा तो फास्फोरस और कैल्शियम का भी उसके बॉडी में अभाव होगी, और जैसे ही कैल्शियम फास्फोरस की अभाव होगी उसके शरीर कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। वह बैठ नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, कुछ बच्चे दिखता है उसको वॉकिंग करने में टहलने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि तो उसकी बोन वीक हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो शीट क्रॉल एंड वॉक गेट्स डिलेड, लेग बोन्स गेट बेंड, लेग जो है वह टेढ़ा हो जाता है, वो गेट्स टेढ़, है ना। तो ये सभी जो है दी डिफिशेंसी कॉजेज डिफॉर्मेशन सच एंड बो लेग्स एंड नॉक नीज, द चेस्ट इज डिफॉर्म ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द रिब्स एंड प्रोट्रूड्स आउट एज इन पिजन, दिस डिफॉर्मेशन इज देयरफॉर ऑफन कॉल्ड पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट वाले फोटो देखा होगा कैसा पिजन चेस्ट होता है, उसकी दांत किस तरह की हो जाती है, है ना। तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स आर एडवाइज टू टेक रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है या जो दूध देने वाली मदर है, है ना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, लैक्टिंग मदर्स उसको कहते हैं, उसे क्या चाहिए कि हमारे, क्योंकि बच्चे तो भोजन ले नहीं रहे, सिक्स मंथ वन ईयर तक ले नहीं रहे, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, है ना। तो विटामिन डी उसको होनी चाहिए उस प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स में। समझ में आ रही बात कुछ? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपने विटामिन सी देखा, वह कमी अमाउंटों में जरूरी है, लेकिन वो बायोकेमिकल चेंजेज में बहुत सारे ऐसे चेंजेज होते हैं उसमें वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, है ना। और ये देखे आपने कि हमें अभी भी विटामिन सी की टैबलेट बहुत घरों में यूज होती है, किस किस हैं, विटामिन डी पढ़ा रहे थे, विटामिन सी और डी एक ही जगह है ना जी। विटामिन सी कोई घर में खा रहा है, कोई किसी को देखा है? ये कोरोना से बचने के लिए विटामिन सी का टैबलेट यूज किया है तुम लोगों ने? यस सर। यस, तो ये देखिए, ये वो तो आपके डिपेंड है कि आप कौन से फ्लेवर एप्पल फ्लेवर पसंद करते हैं, वो तो आपके टेस्ट के लिए कर देता है वो, है ना। लेकिन विटामिन सी आपने लिया प्रिकॉशन मेंटेन करने से क्या होता है, कहता है ना स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन, समय पर आप प्रिकॉशन मेंटेन करेंगे तो आपको क्या है, बहुत पैसे की भी बचत होगी, आपके हरासमेंट हेल्थ का लॉस नहीं होगा, और एक आदमी बीमार होता है तो पूरे फैमिली उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वह भी नहीं हो पाएगा। तो ये सोचने, इसीलिए बहुत आदमी पहले से ही प्रिकॉशन मेंटेन करके रखते हैं, अरे फीवर हुई, पहले भी फीवर होती थी लेकिन अभी, अरे फीवर हुआ चलो कुछ तुरंत एक्शन लो, मैंने क्विक एक्शन लो कि हमें ये ना हो जाए, है ना, ये सीरियस डिजीज ना हो जाए कि हमें प्रॉब्लम झेलना पड़ जाए। ओके, अब हमें मिनरल्स, और मैंने पहले ही कहा कि विटामिन डी कैल्शियम फास्फोरस मिनरल्स में भरेंगे, है ना। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं लेकिन इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल्स है। नहीं, अमित कुमार पढ़ेगा, अमित कुमार पढ़ो, अमित कुमार आर यू लिस्टिंग? नहीं सुन रहा। अभिज्ञान सिन्हा, अभिज्ञान चलो पढ़ो। Minerals. The important minerals needed by our body are sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, manganese, copper, chloride, iodine, phosphorus, and sulfur. They are needed
in very small quantities for proper growth and maintenance of the body. Let us now learn about sources and functions of some of these minerals. Sources and functions of some minerals needed by our body. Okay, so minerals. Calcium, milk. पहले रुक जाओ. कटाय की इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो है हमारे शरीर की जरूरत होती है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोराइड, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर. ये सब जो है इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो हमारे शरीर की बहुत ही जरूरत है ना? ठीक है. दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ये बहुत कम ही मात्रा में जरूरत है, लेकिन ये हमें जो है इसका ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है प्रॉपर ग्रोथ होने में. ओके, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम ये हमें देखना है. तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये सभी क्या है, आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. ये क्या है, आपको भी कैल्शियम का सोर्सेज है, सोर्सेज है. क्लियर? कॉस्ट्यूम नाइन तुम्हें आ जाता है जी. कॉस्ट्यूम नाइन ज्वाइन कर लिया. कॉस्ट्यूम नारायण एक मिनट. कॉस्ट्यूम नारायण आर यू लिस्निंग? कॉस्ट्यूम नारायण उसको अनम्यूट कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, भाग गया है क्या? उसका वीडियो भी ऑफ है तो दूसरे काम कर रहा होगा. मैंने इसको अनम्यूट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा. सर कैन आई रीड वाटर? कॉस्ट्यूम नाइन करके दो आईडी बनी है. तो आप यहाँ तो कैल्शियम किस किस चीजों में पाया जाता है और मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट में पाया जाता है. मिल्क का प्रोडक्ट कौन सा चीजें है, इसमें आपने पनीर चीज भी देखते होंगे. और ये कैल्शियम हमें किस चीज़ों में हेल्प करता है, विल हेल्दी बोन्स एंड टीथ. ये बोन को हेल्दी रखने में भी मदद करता है. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मिल्क, सीरियल्स, पल्सेज, फीस एंड मीट, ये सभी आर द सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस है ना. ये फॉस्फोरस का सोर्सेज है. ओके, तो और ये भी हमें बोन और टीथ को ग्रोथ करने में मदद करता है ना. और कैल्शियम और फास्फोरस जो है प्रॉपर वे में काम करेगा. अगर हम लेते भी हैं तो शरीर में विटामिन डी रहेगा तभी ना वह काम करेगा, अदरवाइज वह काम नहीं करेगा, नहीं करेगा. यस, और देखते होंगे प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत दिनों तक आयरन और कैल्शियम की दवा हमेशा खिलाया जाता है. क्यों? आयरन की ब्लड का कमी ना हो, आयरन ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और कैल्शियम जो है, कॉस्ट्यूम नाइन नेटवर्क गड़बड़ा रहा है. कॉस्ट्यूम yes, तुम तो मुझे बहुत हेल्प किया और तुम्हारा ही गड़बड़ होने लगा है, कि दूसरा काम करने लगा जी. Are you ready? नहीं सर, नेटवर्क सर प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं. ये लड़का हमें काफ़ी हेल्प किया है, ये भी और इसके फादर भी है ना. क्योंकि मेरा मोबाइल जो है कभी कभी लोगों की भलाई में भी जो है ना गड़बड़ा जाता है. पहले ऊपर दो तरह के मोबाइल में पार्ट्स होते हैं, एक होता है टच स्क्रीन जो एक ग्लास टाइप का होता है, उसके इनसाइड डिस्प्ले होता है. टच स्क्रीन डैमेज होगा तब भी काम चलती है ना, कि चलो चले मैंने डिस्प्ले दिख तो रहा है ना, प्रॉब्लम सारा दूर हो जाता था. अब ये डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को स्मार्ट मीटर लगा दिया, कुछ लोगों को रिचार्ज नहीं करने आता था, तो कुछ
लाइट कट गई तो आया कि रिचार्ज कर दीजिए, मैंने कर दिया, इनको कर दिया, इस तरह करते गए। एक दिन ऐसे ही आया कि सर मेरा भी नहीं हो रहा है, कर दीजिए। अब उसी में मैंने थोड़ा ज़ोर से प्रेस कर दिया कि डिस्प्ले भी जा। उस दिन से क्या हो गया, वो बॉडी डेड हो गया, वो माने अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कॉल आ रही है तो किसका कॉल आ रही है, क्या हमें हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो कैसे दिखेगा तभी ना। तो और आपको ये लैपटॉप से क्लास लेने में स्नैप होमवर्क जो प्लेटफॉर्म है उसमें मोबाइल की ज़रूरत होती होती है, क्योंकि क्लास अरेंजमेंट करना कि क्लास शेड्यूल बनाना जो है वो लैपटॉप इंटरनेट से नहीं हो पाती है, वन नेट से, वह मोबाइल का ही यूज होता है। तो मिस्टर कौस्तुभ नारायण और उनके फादर सर जो है दामोदर सर, ये दोनों काफ़ी हेल्प किए, मैंने इनका मोबाइल का यूज किया है ना, और बड़े हेल्पफुल रहा। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होगी, लेकिन मुझे भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक करवा लें, हो नहीं रहा है, हो जाएगा एक दो दिन में। और स्कूल से क्लास लेने में हमें यही कन्वीनियंट होती है कि ऑनलाइन क्लास वाईफाई है तो हो जाता है। तो देखो वो भी बेचारे जो दूसरे को हेल्प करते हैं उनको भी नेटवर्क कभी न कभी गड़बड़ हो जाता है। खैर देखिए, थैंक यू कौस्तुभ। और यहाँ पे देखो तो आयरन, मैंने कहा कि आयरन जो है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास करके सभी के लिए है, जिसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगा, वीकनेस होगा, तो आयरन। और इसीलिए पुराने ज़माने में जो सब्जी बनता था वो लोहे के लोहिया होता था ना, जिसमें सब्जी को तला वला जाता है ना जी, बनाया जाता है, कुकिंग किया जाता है, तो लोहे के आइटम से। आज भी देखते हो कि जब आदमी बीमार पड़ता है तब वह इधर उधर भटकता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी ना आप इधर उधर भटकिएगा क्या ना हमें ये ज़रूरत है, तो ये चीज़ होनी चाहिए है ना। तो आप क्या करते हैं, तांबा वाले लोटा में पानी पीता है, कॉन्स्टिपेशन हुआ पानी रात में रखा सुबह में पिया, तो वो कॉपर भी की ज़रूरत है स्मॉल अमाउंट क्वान्टिटी में, लेकिन वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो भी आपको बॉडी हेल्थ के लिए जो है इम्प्रूव करने में काफ़ी ही हेल्प करता है। उसी तरह आयरन है, आयरन वाले लोहे में, तो आयरन कहाँ से मिलेगा, उसकी सोर्सेज क्या है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी है। पालक में ज़्यादा, स्पिनच में ज़्यादा अमाउंट में आपको आयरन पाया जाता है, इसीलिए सजेस्ट करता है। किसी किसी को लेडीज लोगों की बाल बहुत उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, उसकी ब्यूटीनेस को बढ़ाता है, और वैसे भी लेडीज हो या जेंट्स हो, बाल नहीं रहेगा टकला कहता है ना जी, टकला हो गया है ना, किसी किसी की बाल टकला होना बाल छिलवा लेगा, लेकिन किसी किसी का साफे रिमूव हो गया, वो कितनी भी कोशिश कर लेता है उसका बाल फिर से ग्रो अप नहीं कर पाता है। तो वहाँ भी आयरन का कहता है कि पालक खाओ है ना, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पालक खाओ है ना, उससे जो हेयर का जो डेवलपमेंट है वह होंगे। और देखता है कि तरह तरह के मेडिसिन्स आ गए है ना, कि बाल टूटे नहीं है ना, बाल जो है वह अच्छा ढंग से रहे, जिसके कारण आप और सारी चीज़ों को यूज करते हैं, शैम्पू वगैरह है ना, और उसमें डेंडर्फ ना हो, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें आइटम्स निकल चुके हैं ठीक है। तो फॉर्मिश आयरन क्या करता है, होमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। आप किसी को मान लो कि एक्सीडेंट हो गया और उसके शरीर में ब्लड है ही नहीं, ब्लड की कमी हो गई, होमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो क्या करेगा, किसी दूसरे से ब्लड बोरो करेगा है ना, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और उस समय ही आपको लगेगा कि हमारा कौन से फ्रेंड्स है।